बस आ गई भाई, ये जाएगी बर्नी बॉर्डर, चलते हैं। ये लो भाई, पहला सर्कल आ गया नेपाल का, और इसके आगे बस स्टैंड है, वो सामने बस स्टैंड है। ये बस है भाई, ये जाएगी बुटोल के लिए। बुटोल जाएगी ना भैया? जाएगी जाएगी, काठमांडू जाने का रही। काठमांडू वाली है ना ये। पोखरा पहुंच गया हूँ मैं, और अभी पोखरा आते ही मैंने सिम लिया, बड़ौनी बॉर्डर पे मैंने ली नहीं थी। तो भाई इधर कूपन चलते हैं ऐसे यार। ये हेलो, नमस्कार दोस्तों, अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल राम जी के मंदिर के दर्शन हुए, पर राम जी के दर्शन नहीं हो पाए, जो मूर्त देखनी थी मूर्त तो देख नहीं पाए। पर क्या करें, 3-4 महीने बाद दोबारा आएंगे, दोबारा दर्शन करेंगे, तीसरी बार जाएंगे। अभी दूसरी बार आया था तब भी दर्शन नहीं हुए। अभी मैं गोंडा में था, यहाँ से निकल रहा हूँ बलरामपुर। बलरामपुर से बरेनी बॉर्डर है नेपाल का, फिर वहाँ से पोखरा चलते हैं। अभी भैया ने लिफ्ट दी है, यहाँ से जा रहे हैं बलरामपुर, फिर आगे देखते हैं। तो भाई बलरामपुर पहुँच गया हूँ मैं। बलरामपुर 40 किलोमीटर दूर था वहाँ से, और पोखरा यहाँ से अभी 300 किलोमीटर और रह गया है, क्योंकि 340 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से गोंडा से पोखरा। तो यहाँ से अब बरनी चलना है, बरनी करीब 50 किलोमीटर और है, ज़्यादा ही होगा बरनी बॉर्डर जो है। तो देखते हैं क्या मिलता है। बस आ गई भाई, ये जाएगी बरनी बॉर्डर, चलते हैं। भाई सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा, बढ़नी पहुँच गया हूँ मैं। बस ने बहुत टाइम लगा दिया, 3.5 घंटे लगा दिए, बहुत धीरे धीरे बस आई। नेपाल बॉर्डर सामने ही है, तो नेपाल में एंट्री करते हैं फिर चलेंगे। हो भाई, अभी मैं अपने इंडिया के बढ़नी में हूँ। बढ़नी से आगे जो नेपाल का पड़ेगा वो पड़ेगा कृष्णा नगर, और कृष्णा नगर से फिर जाएंगे बटवली नाम है, या बटावली ऐसा कुछ नाम है शहर का। तो वहाँ के लिए बस मिल जाएगी कृष्णा नगर से, जो कि नेपाल का है। फिर उसके बाद देखते हैं अपना आगे के लिए। तो ये भाई बॉर्डर, ये अपना हो गया इंडिया का बढ़नी, और मैं अभी आ गया हूँ कृष्णा नगर में। भाई वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, जस्ट अभी नेपाल में एंटर हो गया हूँ मैं। तो यहाँ से जो जाना है मुझे, वो जाना है बुटोल, और बुटोल यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर है, वो देखते हैं। काठमांडू वाली बस पकड़ के सीधा बुटोल से फिर पोखरा चलते हैं आगे। उधर की साइड सब इंडिया है, और ये अपना इधर नेपाल। ये देखो भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इधर की साइड का इंडिया है सारा, और ये अपना नेपाल आ गया इधर की साइड का। वेलकम टू नेपाल। तो भाई एंटर हो गए नेपाल में। भाई बस स्टैंड किधर है? कितनी दूर होगा? तो 10-20 कदम। हाँ। काठमांडू मिल जाएगी बस अभी? हाँ, मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। ये लो भाई, पहला सर्कल आ गया नेपाल का, और इसके आगे ही बस स्टैंड है, वो सामने बस स्टैंड है। इधर क्लॉथ मार्केट है, पीछे से मैं आ रहा हूँ। इधर ये रेस्टोरेंट है, और सामने बस स्टैंड है। तो चलते हैं, 6:15 बजे है बस, अभी हो रहे हैं 5:55 हो रहे हैं। ये बस है भाई, ये जाएगी बुटोल के लिए। बुटोल जाएगी ना भैया? जाएगी जाएगी, काठमांडू जाने का रही। काठमांडू वाली है ना? ओके ओके।
तो ये जाएगी भाई बुटोल। ये देखो भाई लाइटें जल गई और ये रखी हुई डस्टबिन, बहुत बढ़िया। बैठ लेते हैं, बहुत अच्छा है भाई सीटिंग कंफर्टेबली, और टॉवल्स दे रखे हैं यार। और ये नीचे कुछ ये जो सीट है, सीट ये है मैन, उसके ऊपर ये रखा हुआ है कुशन टाइप का, मतलब क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं। तो आराम से ठंडी लगेगी, आराम से बैठो इसके ऊपर, कंफर्टेबली बैठे हो, सीट को एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक साइड में कर्टन्स हैं, विंडो ओपन हो जाएगी, कर्टन्स भी ज़बरदस्त है और लाइटिंग वगैरह ज़बरदस्त है बस की। और मैन जैसा कि मैंने बताया, जो कि इसके अंदर डस्टबिन है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इंडिया के अंदर भी हर बस में डस्टबिन होने चाहिए, जो मूँगफली खाते हैं लोग, कुछ ना कुछ खाते हैं बैठते हैं, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए यार, डस्टबिन वगैरह रखना स्टार्ट करना चाहिए। भाई बरनी बॉर्डर से मैं कृष्णा नगर गया, कृष्णा नगर से बस पकड़ी और मुटोल नहीं उतरा मैं, बुटोल से क्या है जो पोखरा वाला रास्ता है ना, वहाँ कुछ अंडरपास का काम चल रहा है, तो ये भाई बारे भैया बोल रहे थे कि वहाँ से आपको तो या तो रुकना पड़ेगा बुटोल में रात को, और रात में तो पोखरा जा नहीं सकते। तो अभी मैं आया हूँ मनकामना, ये मनकामना है और ये सीधा हाईवे काठमांडू से पोखरा के लिए है, तो ये बेस्ट रास्ता बताया। तो अभी रात के हो रहे हैं 3:30 या 3 बज रहे हैं, और ये बस है जो पोखरा जाएगी, तो चलते हैं पोखरा, मिलते हैं आपसे। ये काठमांडू के लिए जा रहा रास्ता, और ये बढ़नी बॉर्डर से आया है इधर की तरफ, जो शिमोली बॉर्डर है गोरखपुर से जो आते हैं उधर से भी आते हैं इधर, और बढ़नी बॉर्डर से मुटोल होके इधर भी, इधर से ही काठमांडू के लिए जाते हैं, और ये पोखरा जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, पोखरा पहुंच गया हूं मैं, और अभी पोखरा आते ही मैंने सिम ली है, बड़ौनी बॉर्डर पे मैंने ली नहीं थी। तो भाई इधर कूपन चलते हैं ऐसे यार, ये 50 का कूपन है और 100 का कूपन है, ये डाला है, सिम दी है 200 रुपये की, और 150 रुपये का ये कूपन है, और 129 का मैंने डेटा लिया 4.5 GB एक हफ्ते के लिए। काफ़ी जैसे पहले इंडिया में होता था वैसे सेम सीन है, कूपन का भी *122*, फिर ये कूपन नंबर सारा स्क्रैच करके फिर हैज फिर डायल कर दो, आपका रिचार्ज हो जाएगा। बाकी ये फ़ोन लिया सेकेंड हैंड, जो मेरी पुरानी सिम है, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक ही सिम आती है, तो सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है 400 रुपये का, ये है नेपाली। तो जो मेरी पुरानी सिम है इंडिया वाली, मैसेज वगैरह आते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो भाई सिम ले ली मैंने, जो कि मेरे को पड़ी 350 नेपाली, इंडिया के 218 या 220 रुपये कुछ पड़े। और फ़ोन लिया मैंने 400 नेपाली, जो कि 250 रुपया इंडिया का सही है। अभी मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, एक हॉस्टल देखा है तो वहाँ चलते पहुँचते हैं। ये पोखरा है यार, सारी मारुति की गाड़ियाँ लगी हुई हैं इधर, मारुति ओल्टो ज़्यादा है, टैक्सी में जो चल रही है इधर। ये भाई पोखरा, ये मेन चौक है भाई पोखरा का, वहाँ टैक्सी वाले यार नीचे लेक तक जाने के लिए, जो कि हॉस्टल है मेरा लेक पर है, तो लेक तक जाने के 400 रुपये मांग रहे हैं नेपाली, मतलब 250 रुपये इंडिया के, और है यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5 या 3 किलोमीटर दूर है बस। तो यहाँ से राइट लेफ्ट से मिलेगी बस लेके चलेंगे। ये दुकान वगैरह सारी यहाँ ओपन हो जाती है 7 बजे यार, अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। ये मैन चौक है, ये लिखा है यहाँ पर लखन चौक है भाई, ये पोखरा का।
लेक साइड पहुंच गया हूं मैं। ये लेक साइड एरिया है पूरा पोखरा नेपाल। स्ट्रीट है यहाँ पर 6th स्ट्रीट, मुझे जाना 7th स्ट्रीट पे। 7th स्ट्रीट पे जो हॉस्टल है मेरा, गौरी शंकर हॉस्टल है, तो वो बुक किया है मैंने बुक माई शो से। और काफ़ी अच्छा है यार, रोड्स एंड सोसाइटी, मतलब सारे हॉस्टल या होटल हैं सारे ही सारे, काफ़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत डेवलप्ड है। पीछे वाला स्ट्रीट और ज़्यादा डेवलप था। चलते हैं आगे। ये हॉस्टल है भाई अपना, गौरी शंकर बैकपैकर्स हॉस्टल। फाइनली पहुंच गया हूँ। तो ये जो प्रॉपर एड्रेस है ना यहाँ का, पूरा पता जो है वो है स्ट्रीट नंबर 7 और गौरी घाट लेक साइड पोखरा 6 नेपाल। तो भाई अंदर चलते हैं। और यहाँ पर मैं यार 30 नेपलीज में आ गया, जो बस ले गया 30 रुपये नेपलीज लिए उसने इंडिया का, या मान लो 18 से 19 रुपये, 30 रुपये में आ गया। कार वाला 1200 रुपये मांग रहा था, 400 रुपये सॉरी, इंडिया के 250 रुपये। ये रिसेप्शन है भाई, ये है रिसेप्शन हॉस्टल का। हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिसेप्शन है आपका? यस। कौन सा नाम? सचिन कुमार। एट बेड डॉर्मेट्री। चेक इन हो गया यार, और अभी चलते हैं रूम की तरफ। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है यार, ये देखो यार, इन्होंने काफी अच्छे से वो लगा रखे हैं पेड़ पौधे। वाह, ये अपना डॉर्म है, 8-bed डॉर्मेट्री। ओके, लॉकर अपना ये ठीक। ओके ओके, थैंक यू। ये अपना बेड है। ब्रेकफास्ट कर रहा था मैं, ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में इधर देखो, आपको दिखाता हूँ। ये अपनी आमलेट होगी, ये आपके लिए आलू चाट, और ये ब्रेड होगी ब्राउन ब्रेड बटर और अपना जैम के साथ। इसको बोलते हैं रोस्टेड पोटैटो ऑमलेट एंड टोस्टेड। और एक कॉफ़ी और आ रही है, वाइट मिल्क कॉफ़ी, जो कि ये टोटल मेरे को पड़ रहा है 325 नेपलीज रुपीज़, तो इंडिया के अराउंड 203 या 205 रुपये समथिंग होते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट है भाई, 200 रुपये का। बाहर से खाऊंगा तो सस्ता पड़ेगा शायद, पराठा वगैरह अवेलेबल नहीं था। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यार, मज़ा आ गया, प्रॉपर्टी काफ़ी ज़बरदस्त है। कॉफ़ी लेके आ रहे हैं भाई, तो नाश्ता करता हूँ यार। तो अभी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।